हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है कि ये राम है और जिनके भी मार्क्स सबसे ज्यादा है, अगर किसी सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा मार्क्स गेन किए हैं तो उस कंडीशन में उनका जो कॉलम है उस सब्जेक्ट में काफी ज्यादा ग्रीन कलर में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कलर थोड़ा सा चेंज है, ग्रीन ही है लेकिन थोड़ा सा कलर चेंज है। अगर नंबर कम है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ये धानी कलर का हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा और हल्का हो गया है। अगर वो 75% से भी कम है तो थोड़ा सा और हल्का हो गया है, यानी 90% है तो एकदम से ग्रीन है। देखिए 82 है तो थोड़ा सा ग्रीन है, 81 है तो उसी हिसाब से ग्रीन है, और यहाँ पर देख सकते हैं 65 है तो एकदम से येलो है, 57 है तो देखिए और थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अच्छा भाई रेड लाइन वाले हैं सब, 50 के नीचे जितने हैं सब ना सब रेड रेड में, देखिए रेड में एकदम रेड में आ गया है, और जिनका एकदम से कम है उनका एकदम से ज्यादा रेड हो जा रहा है। तो ये कैसे होगा आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या करते हैं यहाँ पर, हमें क्या करना है यहाँ पर फॉर्मेटिंग लगानी है। देखिए ये जो है ना, ये जो पार्ट है जहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, सबसे कम वाले पे एकदम से रेड हो जाए, फिर सबसे ज्यादा वाले पे एकदम से ग्रीन हो जाए, ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग लगाना है। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, जैसा कि डाटा बार्स यूज करते वक्त मैंने बताया था आपको। यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर देखेंगे तो कलर स्केल दिया हुआ है, बस आपको सीधा इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अलग अलग कलर दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से चाहे तो ये कलर भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिलहाल मैं सेम कलर रहने देता हूँ और यहाँ पर जाकर के ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही ओके प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिनका मार्क्स ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, वहां पर ज्यादा ग्रीन आ रहा है, उससे कम थोड़ा सा हल्का ग्रीन, उससे कम थोड़ा सा और हल्का ग्रीन हो जाएगा, और उससे भी कम थोड़ा सा और हल्का ग्रीन हो जाएगा, और जो सबसे कम होगा उसका एकदम से रेड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 14 नंबर है तो ये एकदम से रेड दिखा रहा है। ठीक है, बाकी बीच वाले में येलो और उसमें भी थोड़ा सा हल्का येलो हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।